कोऑपरेशन मूवमेंट, हमने देखा था कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये गांधी जी ने वापस भी ले लिया, और उसका रीजन क्या था, 1922 का चौरा चौरी इंसिडेंट जो हुआ उसकी वजह से। तो 1922 में ये सारी चीजें हुई, और फिर इसके कुछ टाइम बाद थोड़ा सा पीस रहा, गांधी जी जेल में भी गए, फिर उसके बाद उन्होंने वापस आते ही कुछ क्रिएटिव वर्क करना स्टार्ट किए, चरखा चलाना, लोगों के साथ घूमना, गाना भजन, ये सारी चीजें इन्होंने कुछ करना स्टार्ट कर दिया। तो इनके कुछ क्रिएटिव वर्क थे जो इन्होंने स्टार्ट किए जिससे लोगों को और चैनलाइज किया जाए। इसी टाइम पीरियड के कुछ टाइम बाद ब्रिटिश लोग हर 10 ईयर में कुछ एक्ट लाते, तो हमने एक एक्ट देखा था 1909 का एक्ट जो है मार्ले मिंटो एक्ट, जिसमें हमने देखा था सेपरेट इलेक्टोरेट, और फिर उसके बाद ब्रिटिश लोग 1919 में भी एक एक्ट लेके आए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ये सारे एक्ट हम एंड में पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उस टाइम हम ये सारे एक्ट पढ़ते हैं। तो ये एक्ट लेके आए, और ये उसके बाद भी एक एक्ट लिखना चाहते थे, तो इन लोगों ने साइमन कमीशन को एस्टेब्लिश किया, और साइमन कमीशन का हम सब लोगों ने बायकॉट किया। उसका एक रीजन था क्योंकि इसके जितने भी मेंबर थे, 7 मेंबर की कमेटी थी, और 7 की 7 मेंबर कौन थे, ब्रिटिश। तो हम लोगों ने बोला जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बन रहा है, हमारे देश के लिए बन रहा है, तो इस साइमन कमीशन के जो जितने भी मेंबर हैं वो सारे ब्रिटिश या वाइट, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सबने इसका अपोज किया, और इस अपोज में से ही एक इवेंट पंजाब में चल रहा था, तो पंजाब में लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला जी जब यहाँ लीड कर रहे थे, 1927 की ये इंसिडेंट था, तो लाला जी लीड कर रहे थे पंजाब में, तो एक ब्रिटिश पुलिस वाले ने उन्हें लाठी से इतना सिर पे मारा कि उनकी डेथ हो गई। और जैसे ही लाला जी की डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं ये लोग थोड़े से जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे लोग इस चीज का बदला लेना चाहते थे, भाई इन्होंने हमारे लाला जी की डेथ वहीं पे कर दी या उनका मर्डर कर दिया, तो ये सारी चीजें थी। तो उसके बाद इसके बदले में ये लोग 1928 के आसपास एक लाहौर इंसिडेंट करते हैं। लाहौर इंसिडेंट में क्या होता है, सैंडर्स जिसने लाला जी को मारा था, तो उसे मारने के लिए इन लोगों ने प्लान बनाया, और ये लोग गए पुलिस चौकी के पास, लेकिन सैंडर्स तो मिला नहीं, दूसरा कोई ऑफिसर आ रहा था, उसे ही मार के वापस आ, और फिर उसके बाद पुलिस उनके लिए सर्च वारंट निकाल दी। तो उसके बाद ये सारे लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या तो अंडरग्राउंड हो गए या एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले गए, ये सारी चीजें हुई, लेकिन ये लाहौर केस के रूप में फेमस भी हो गया। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने इसका काफी ज्यादा बायकॉट किया, तो ब्रिटिश लोगों ने बोला, अच्छा आप लोग इतना बायकॉट कर रहे हो, तो आप लोग खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन बना के हमें दे दो ना, हमें एक रिपोर्ट रेडी करके दे दो जिससे कि हम आप लोगों को कुछ चीजें दे सके। तो सभी कांग्रेस, मुस्लिम लीग सबने कहा बिल्कुल हम लोग रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, हम अभी करके दिखाते हैं हम लोगों को। तो उसके बाद नेहरू जी के पापा जी मोतीलाल नेहरू, इनकी लीडरशिप में एक कमेटी बनी 1928 के आसपास। उस कमेटी के थ्रू ही एक रिपोर्ट आई जिसे हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। इसमें बहुत सारे प्रोविजन थे। पहला इन्होंने बोला कि हमारे देश को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, लेकिन इस डोमिनियन स्टेटस से नेहरू जी
जो थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और साथ में सुभाष चंद्र बोस जी जो ये यूथ लीडर थे वो खुश नहीं थे। वो बोले डोमिनियन स्टेटस अब बहुत पुराना हो गया है। जब हम डिमांड कर रहे थे इससे इनसे लोगों से कि भाई आप हेड रहे ना हमारे देश का और सारा काम नीचे वाला जो है असेंबली में वो हम लोग करेंगे, तो डोमिनियन स्टेटस अब हमें जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ इस रिपोर्ट ने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट अलाउ नहीं होगा। जैसे ही इन्होंने बोला सेपरेट इलेक्टोरेट अलाउ नहीं होगा, तुरंत मुस्लिम लीग नाराज हो गई। मुस्लिम लीग नाराज हो गई, भाई ऐसे कैसे चलेगा सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दोगे। आप लोगों ने 1916 के लखनऊ सेशन में बोला था कि आप लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा, तो इन्होंने बोला अब नहीं मिलेगा, बहुत हो गया। फिर इन्होंने बोला कि भाई एक असेंबली होगी हमारी, वो असेंबली कहीं ना कहीं लॉ बनाएगी। ये सारी चीजें इन्होंने बोली, कुछ लोग एग्री हुए कुछ लोग डिसएग्री हुए। फिर उसके बाद नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस भी खिलाफ थे, तो गांधी जी ने उन दोनों को समझाया बेटा थोड़ा सा आपा की भी सुन लें दो, थोड़ा उनकी बात रख लें दो। तो गांधी जी ने और कांग्रेस ने मिलकर बोला हम लोग आप लोगों को 1 ईयर का टाइम दे रहे हैं, अगर 1 ईयर में नेहरू रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हो गई तो ठीक है, और नहीं हुई तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो 1 ईयर वेट किया लेकिन हुआ कुछ नहीं। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी हेड बने और कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में। लाहौर में सेशन हुआ कांग्रेस का 1929 का, और इस लाहौर सेशन में बहुत सारी बातें बोली गई। यहाँ पे ही पहली बार कांग्रेस ने बोला स्वराज, कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब सेल्फ का रूल हम लोग चाहते हैं, और नेहरू जी को सपोर्ट था गांधी जी का। और यहीं पर पहली बार हमने फ्रीडम भी घोषित कर दी कि भाई हम लोग फ्री हैं और हम ब्रिटिश लोगों की बात नहीं मानेंगे। ये सारी चीजें भी हमने अनाउंस कर दिया। और इसी टाइम नेहरू जी ने पंजाब में एक रिवर है रावी, उस रावी नदी के पास इंडियन जो फ्लैग है वो फैला दिया। और ये टाइम था 26 जनवरी 1929 का। और इसी चीज को यादगार बनाने के लिए 26 जैन को, वैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर को ही रेडी हो गया था, लेकिन इस 26 जनवरी को जब हमने फर्स्ट फ्रीडम अपना मनाया था, इस चीज को याद रखने के लिए हम लोगों ने इसको थोड़ा डिले किया और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई। तो नेहरू रिपोर्ट के बाद लाहौर सेशन में बहुत सारी बातें की गई। गांधी जी ने कुछ डिमांड रखी ब्रिटिश लोगों के सामने, जैसे कि आप लोगों को फार्मर पर लगने वाला जो टैक्स है वो कम कर देना चाहिए, आप लोगों को सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगाते वो हटा देना चाहिए, और इंडियन लोगों को सिक्योरिटी के लिए आर्म लेने की भी आजादी होनी चाहिए। ये सारी कुछ डिमांड थी जो गांधी जी ने रखी थी, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने उसमें से कोई भी डिमांड नहीं मानी। और जैसे ये डिमांड नहीं मानी तो गांधी जी ने बोला कि आप लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं हो। तो फिर उसके बाद गांधी जी ने एक और नया नेशनल मूवमेंट लॉन्च करने की सोची, और नए नेशनल मूवमेंट का जो नाम था वो था सॉल्ट सत्याग्रह। 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, और सॉल्ट सत्याग्रह में इसके दूसरे नाम भी हैं, दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह। दांडी मार्च इसलिए कहते हैं कि जहां पर इन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था वहां दांडी में गए, साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब पब्लिक लोग एक तरीके से साथ में आए। तो गांधी जी ने 1930 में अपना सेकेंड नेशनल मूवमेंट लॉन्च कर दिया, और ब्रिटिश लोगों को इस बार पूछा नहीं, बोले आप लोग प्यार से मानते नहीं हो और पब्लिक के थ्रू ये सारी चीजें चाहते हो। गांधी जी भी थोड़े उसमें आए, और उन्होंने
जानबूझ के इस मूवमेंट में सॉल्ट को चूज किया। देखो मूवमेंट का मेन पर्पज यही था, नेशनलिज्म को प्रमोट करना और ब्रिटिश लोगों को डराना। तो सॉल्ट सत्याग्रह उन्हें इसके लिए सबसे अच्छी चीज लगी। उन्हें लगा कि सॉल्ट में बहुत सारी खासियत है। पहली बात, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना क्लास के बेस पर, ना जेंडर के बेस पर, ना रिलीजन के बेस पर। जब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो इसका मतलब सभी लोग सॉल्ट के साथ जुड़ सकते हैं। ये एक ऐसा इशू है जिसकी जरूरत सबको है और सबकी नीड है, ग्रीड नहीं है, तो इसलिए गांधी जी ने इसको चुना। और साथ में ब्रिटिश लोग सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाते थे काफी ज्यादा, इवन पर्सनल यूज के लिए भी। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग सॉल्ट पर टैक्स नहीं देंगे, ये हमारा नेचुरल राइट है, और हम लोग आपको ये ताकत दिखाएंगे कि हम लोग आपके लॉ का वायलेशन कर देते। तो गांधी जी ने सबको मोबिलाइज किया और बोला जिस जिसके पास ओशियन है और जहां पर सॉल्ट बनता है, आप लोगों को लॉ को तोड़ना है और वहां पर जाकर क्या करना है, सॉल्ट बनाना है। ये गांधी जी ने मूवमेंट में रखी। और जहां पर सॉल्ट नहीं है वो लोग फॉरेस्ट लॉ को तोड़ेंगे, और जिनके पास फॉरेस्ट भी नहीं है वो लोग अपना लैंड का रेवेन्यू जो दे रहे थे वो भी छोड़ेंगे। तो ये कुछ तरीके उन्होंने निकाले कि भाई कैसे आप लोग ब्रिटिश के खिलाफ इस सॉल्ट रिवॉल्ट में लड़ोगे। तो यहां से लड़ाई स्टार्ट हुई और फिर गांधी जी और उनके कुछ फॉलोअर 40-50 लोग स्टार्ट हुए, और साबरमती आश्रम जो गांधी जी का फेवरेट आश्रम था वहां पर एक तरीके से इन्वॉल्व हुए, और वहीं से जर्नी इनकी स्टार्ट हुई दांडी तक ये लोग। जैसे गांधी जी दांडी में चला रहे थे, ऐसे ही बॉम्बे में भी एक चल रहा था इसी मूवमेंट का एक पार्ट, और वहां पे जो लीड कर रही थी वो लीड कर रही थी सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू लीड कर रही थी, और गांधी जी ने सबको एक चीज और बोली थी, नॉन वायलेंस। ब्रिटिश लोग आप लोगों को कितना भी टॉर्चर करें लेकिन आप लोगों को वायलेंस नहीं करनी, और वायलेंस करोगे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों को पीटने का मौका मिल जाएगा और उन्हें पिटने का मौका मिलेगा, तो आप लोग फिर अगली बार इंक्लूड नहीं होंगे मूवमेंट में। तो नॉन वायलेंस उन्होंने एक सबसे बड़ी चीज रखी कि भाई नॉन वायलेंस करनी है आप लोगों को, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, सबने ये अपनाया। तो सरोजनी नायडू जहां लीड कर रही थी उनके साथ बहुत सारे और भी सत्याग्रही थे, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा ने टॉर्चर किया। और वहां पर एक यूएसए का रिपोर्टर भी था वेब मिलर, वो बताता है कि भाई लोग एक लाइन में लगे होते थे और ब्रिटिश लोग उनको पीटते थे और कोई भी वायलेंस नहीं कर रहा। तो उसने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब धीरे धीरे इंडिया का जो इशू है वो वर्ल्ड का इशू बनने लग गया। अब सब लोग जानने लग गए कि भाई ब्रिटिश लोग कैसे रूल करते हैं, और यही हम लोग चाहते थे कि जितना ज्यादा ये फेमस होगा उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर, कि आप लोग सही नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने की। और फिर बाद में ब्रिटिश लोगों ने ईरवन उस टाइम के वॉइस रहे थे, और ईरवन जी ने गांधी जी से एग्रीमेंट किया। ईरवन ने बोला ठीक है गांधी जी, हम आपकी बात मान लेते हैं, बस एक बार आप हमारे साथ मिलने आ जाओ। तो गांधी ईरवन पैक गांधी जी मिलने गए, और गांधी जी के मूवमेंट की एक इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटजी होती थी कि भैया कॉन्फ्लिक्ट करो, एग्रीमेंट करो, फिर कॉन्फ्लिक्ट करो, फिर एग्रीमेंट करो। तो उन्हें लगा भाई सही टाइम है कि हम इनके साथ एग्रीमेंट कर लें। तो गांधी जी ने इनके साथ एग्रीमेंट किया, और इन्होंने गांधी जी ने कुछ डिमांड रखी। पहली डिमांड कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स है वो हटा दिया जाए। तो
ब्रिटिश लोगों ने ये बात मान ली और बोला देखो अगर कोई पर्सनल यूज के लिए सॉल्ट यूज करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, ये गांधी जी की डिमांड मान ली। दूसरी डिमांड गांधी जी ने रखी कि जो भी लोग आप लोगों ने पकड़े हैं उन सबको छोड़ दिया जाए, लेकिन ईडवन बोला सबको नहीं छोड़ेंगे गांधी जी, सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ेंगे। कहने का मतलब जिन्होंने वॉयलेंस नहीं की है वो लोग छोड़े जाएंगे और जिन्होंने वॉयलेंस की है वो लोग नहीं छोड़े जाएंगे। तो पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ने की बात इन्होंने मान ली लेकिन सबको छोड़ने की नहीं मानी। दूसरा गांधी जी ने बोला कि भैया इस पे इंडिपेंडेंट कमेटी रिसर्च करे कि पुलिस ने कैसे इन सत्याग्रहियों का टॉर्चर किया है। तो ईरवन बोला देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं पुलिस हमारी है और आप ऐसे करवाओगे तो हम ये नहीं करेंगे। तो ये वाली बात इन्होंने नहीं मानी कि पुलिस के ऊपर एक सर्च कमेटी बैठे और वो सर्च कमेटी वो सारी चीजें करे। एक और एग्रीमेंट हुआ, ईरवन ने गांधी जी को बोला देखो हम लोग राउंड कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहां पर? लंदन में, और इस राउंड कॉन्फ्रेंस में आपके लिए जो नया एक्ट बनेगा उसकी बात होगी। और ये राउंड कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो 1930 में हुई थी जिसमें कांग्रेस इंक्लूड नहीं थी, और कांग्रेस इंक्लूड नहीं थी इसका मतलब मेजॉरिटी जो इंडिया की लीड कर रही थी कांग्रेस वो सब भी इंक्लूड नहीं था। तो फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं हुई। फिर ईरवन ने बोला कि इस बार सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ईरवन ने गांधी जी को ऑफर दिया कि आप लंदन जा सकते हो और सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में इंक्लूड हो सकते हो। तो गांधी जी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बोले ठीक है सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में हम लोग इंक्लूड होंगे। ईरवन ने बोला वहां पे हमारे किंग है, हमारे पीएम है, हमारी पार्लियामेंट है, आप लोग उनसे मिल के आओ और उनसे अपनी बात रखो। तो गांधी जी एग्री हो गए और गांधी जी कांग्रेस की तरफ से सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में गए, वहां पर गांधी जी सबसे मिले। गांधी जी वो एक बड़े लीडर बन चुके थे, वर्ल्ड के लीडर बन चुके थे, तो काफी ज्यादा मीडिया ने भी उनको फोटो खिंचाए, वही नॉर्मल सा एक डंडा हाथ में और धोती पहने हुए थे, गए आराम से मिलने बैठे ही थे। वहां पर कॉन्फ्रेंस में थोड़ा चाय समोसा लगा हुआ था, गांधी जी ने भी थोड़ा बहुत खाया, लेकिन बीच में आ गए अंबेडकर जी। इन लोगों ने सबको बुलाया था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस को बुलाया था। अंबेडकर जी आए और अंबेडकर जी ने बातें रखी एससी एसटी और वुमेन की। और यहाँ पर अंबेडकर जी पहले भी राउंड कॉन्फ्रेंस में, जो फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इंक्लूड थे, तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया अंबेडकर जी ने। और अंबेडकर जी ने यहाँ पर डिमांड रखी ब्रिटिश लोगों के सामने कि एससी एसटी और वुमेन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, मतलब जैसे इलेक्शन मुस्लिम लोगों के लिए होते हैं कि भाई मुस्लिम ही कैंडिडेट और ओनली मुस्लिम ही वोटर, ऐसे ही एससी एसटी कैंडिडेट और एससी एसटी वोटर। इस बात को सुनकर गांधी जी भड़क के बोले यहाँ किस लिए बुलाया फिर मुझे, जब आप लोगों को ऐसा ही करना है सेपरेट इलेक्टोरेट हम कितनी बार कह चुके हैं, नेहरू रिपोर्ट में भी हम लोगों ने बोला है, कांग्रेस के सेशन में भी बोला है कि अब हम सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आप लोग इस चीज को समझ ही नहीं रहे। सेपरेट इलेक्टोरेट जो आता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश का डिवीजन होता है, आप लोग चाहते हो कि डिवाइड एंड रूल, इंडिया को डिवाइड करो और फिर यहाँ पर रूल करो। तो गांधी जी इस बात से नाराज हुए और फिर उन्होंने लगा कि भैया यहाँ पे मैं बातें करूंगा सेपरेट इलेक्टोरेट दिलवाऊंगा, इससे बढ़िया मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो गांधी जी इस इंसिडेंट के बाद बिना चाय समोसा खाए निकल जाते हैं बाहर और वापस देश आ जाते हैं। देश आते तो है और वो बोलते हैं कि भाई हम सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट या सॉल्ट सत्याग्रह का सेकंड पार्ट लॉन्च करेंगे।
जैसे ही आते हैं स्टेशन पे, ब्रिटिश पुलिस उनका वेट कर रही थी, उनको और जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उन सब को अरेस्ट कर लेती। तो सेकेंड जो फेज है सॉल्ट सत्याग्रह का, सिनलेस ऑबिडेंस मूवमेंट का, वो काफी ज्यादा वीक रहता है, क्योंकि गांधी जी नहीं है ना कोई बड़ा लीडर है, ये सारी चीजें इसमें दिक्कत रहती है। फिर उसके बाद गांधी जी को पूना की जेल में लेके जाया जाता है और वहीं पर उन्हें रखा जाता है, और वहीं पर गांधी जी बोलते हैं मैं एक और फास्ट करूंगा, और फास्ट तब तक होगा जब तक मेरी डेथ नहीं होगी, फास्ट अंटिल डेथ। गांधी जी अपने अनशन पे बैठ गए और इनकी डिमांड थी अंबेडकर जी के साथ कि वो मेरे साथ एग्रीमेंट करे, वरना मैं तब तक फास्ट करूंगा जब तक मेरी डेथ नहीं होगी। अंबेडकर जी इस चीज से परेशान, तो बहुत सारे कांग्रेस और अदर लीडर ने मिलके अंबेडकर जी को बात समझाई, और बहुत जोर सारे लोगों ने अंबेडकर जी को बताया कि अगर ये बाबा मर गया तो इंजाम आपके ऊपर आ जाएगा, और इंजाम आपके ऊपर आ जाएगा तो आप बदनाम हो जाओगे, क्योंकि एक बड़ा लीडर है। तो इसलिए अंबेडकर जी पूना में आते हैं और गांधी जी के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं जिसका नाम है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, इसमें गांधी जी अंबेडकर को बोलते हैं देखो बेटा, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है वो तुम छोड़ दो, और तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तो अंबेडकर जी ने कहा यार ठीक है, आप अगर जो तुम्हें चाहिए वो दिलाओगे तो हमें रिजर्वेशन दिला दो, हमारे लोगों के लिए हमें रिजर्वेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने उनका सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली काफी ज्यादा टॉर्चर किया है, एक्सप्लोइटेशन किया है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा गांधी जी आपकी बातों से, तो हमें कोई रियल में कोई चीज चाहिए। तो यहां से इंडिया में ओरिजिन हुआ रिजर्वेशन का, और अंबेडकर जी ने बताया कि रिजर्वेशन हम ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं कि आप लोग हमारे ऊपर कुछ कर रहे हो, जो आप लोगों ने एंशियंट टाइम में या जो आपकी पुरानी पीढ़ी ने हमारे साथ किया है उसके बदले हम मान रहे हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, बोले मान लो ये बास्केटबॉल का एक कोर्ट है और इस बास्केटबॉल पर एक बंदा 6 फिट का है, दूसरा बंदा 4 फिट का है, और थर्ड पर्सन 2 फिट का है। अगर मैं आपको पूछूं गांधी जी इनमें से कौन जीतेगा, तो गांधी ने डर से जवाब दिया, बोले 6 फिट वाला। तो बोले ऐसे ही समझ लो, ये 6 फिट वाला अपर क्लास है, ये वाला मिडिल वाले, और ये वाले लोअर वाले। हम लोग इधर हैं, 2 फिट हमारी हाइट है, और आप लोग बोलते हो कि फ्रीडम के बाद आप लोगों को इक्वालिटी मिलेगी, आप लोगों को फ्रीडम मिलेगी, लेकिन इस फ्रीडम को हम ले कैसे पाएंगे? ना तो हमारे बच्चे एजुकेशन सिस्टम में घुस पाएंगे, ना हमारे बच्चे जॉब में घुस पाएंगे, क्योंकि जीत तो पहले से ही आप लोगों की डिसाइडेड है। तो फिर गांधी जी ने बोला बात में तो तुम्हारी दम है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला देखो ये 4 फिट वाले को अगर रियल में आप कंपटीशन करना चाहते हो, इस 4 फिट वाले को 2 फिट का हमें स्टूल देना पड़ेगा जिससे इसकी हाइट भी 6 फिट हो जाए, ऐसे इस वाले को 4 फिट देना पड़ेगा इसकी भी हाइट 6 फिट हो जाए, अब रियल में कंपटीशन होगा। और अब सबकी हाइट 6-6 फीट हो गई, अब आप बास्केटबॉल का मैच कराओगे तब हम आगे। तो इनका कहने का मतलब ये था कि रिजर्वेशन वो स्टूल है जो हमें इक्वल ला देगा। इन्होंने बोला भी हमें एंट्री के टाइम रिजर्वेशन चाहिए, एंट्री के बाद नहीं। आप एक बार हमारे बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में घुसा दो, फिर उसके बाद उनको ऐसा नहीं चाहिए कि भैया जो जनरल वाले हैं उनको पास किया जाएगा 40% पे और हमारे बच्चों को 30%, बोले ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग बस हमें एंट्री दे दो हमारी इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, उसके बाद हम लोग भी उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। तो गांधी जी को बात समझ आई और गांधी जी ने कहा बिल्कुल जायज बात है तुम्हारी,
और 100 साल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम आपको रिजर्वेशन देते हैं। अम्बेडकर जी रिजर्वेशन मिल गए। साथ में अम्बेडकर जी ने कहा, देखो गांधी जी, सिर्फ रिजर्वेशन से काम भी नहीं चलेगा, आप एक चीज बताओ, आप इतने बड़े लीडर हो लेकिन कितना इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म हुआ है। अब वो अपने रियल इंसिडेंट बताते हैं, बोलते हैं कि जब मैं एजुकेशन ले रहा था तो हमारे जो गुरुजी थे वो मुझे पीटते नहीं थे छड़ी से। गांधी जी ने पूछा क्यों नहीं पीटते थे, तो बोले गुरुजी के हाथ में छड़ी रहती थी और गुरुजी थे ब्राह्मण, अगर वो मुझे छड़ी मारते तो छड़ी से वो भी टच थे तो वो क्या हो जाते, अनटचेबल या अछूत, और उन्हें तुरंत नहाना पड़ता। तो सोचिए, ऐसे ही जब भी मैं क्लास में जाता था तो मुझे गुरुजी नीचे बैठाते थे और अपर क्लास वाले बच्चों को ऊपर बैठाते थे। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ है तो बताइए आप, मैं कैसे भरोसा कर लूं? और आप इतने बड़े लीडर होके आपने क्या किया है हमारे हम लोगों के लिए? क्या आपने कोई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लॉन्च किया है कास्ट सिस्टम के खिलाफ, या कुछ किया है या नहीं? गांधी जी थोड़े से सोच में पड़ गए, बोले बात तो सही बोल रहे हैं, मैंने तो अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। बोले आप जैसा बड़ा लीडर ही कुछ नहीं कर रहा है तो आगे आने वाली जनरेशन क्या करेगी, और कोई बड़ा लीडर आएगा क्या हमारी सोसाइटी में? जब आपके कहने से चीजें नहीं सुधर रही है तो कास्ट सिस्टम तो बना रहेगा, तो इससे हमें तो लॉस ही है ना, फ्रीडम के बाद हमें क्या फायदा होगा? हमें पहले भी टेंपल में एंट्री नहीं मिलती थी, अब भी नहीं मिलेगी। हमें पहले भी कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, अभी भी नहीं मिलेगा। तो फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी ये आप लोगों को मिलेंगी, हमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे साथ कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी होती है, और ये सारी चीजें अभी भी हमारी सोसाइटी में चलती है। उसके बाद गांधी जी थोड़े से इमोशनल हुए और उन्होंने बोला बेटा ठीक है। तो गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म के लिए हर जन मूवमेंट चलाया, और गांधी जी ने बोला कि जो लोअर कास्ट वाले हैं वो हरिजन है, हरि के जन है, मतलब ईश्वर के बच्चे हैं, गॉड के बच्चे हैं। तो उसके बाद एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट गांधी जी चलाते हैं जिसका नाम है हरिजन मूवमेंट, और इसका सोल पर्पज यही है कैसे हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को काफी कम किया जाए। ये सारी चीजें इन्होंने की कि भाई कास्ट सिस्टम को कैसे कम किया जाए। तो गांधी जी के इस मूवमेंट से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं पड़ा। इसीलिए गांधी जी ने जब बात आई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन ऐड करेगा, तो गांधी जी ने अम्बेडकर जी का नाम ही सजेस्ट किया, क्योंकि मेजोरिटी में कांग्रेस ही थी, ज्यादातर जो लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो कांग्रेस से ही चुने हुए थे। गांधी जी ने अम्बेडकर को प्रायोरिटी दी और उनको हमारी ड्राफ्ट कमेटी में इंक्लूड करवाया और बोला ये लड़का बहुत एजुकेटेड है, इसको नॉलेज भी अच्छी है, माइंड भी अच्छा है, और अगर हम इनकी हेल्प लें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बन सकता है। तो ऐसे इनकी चीजें चल, तो सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम ही ये सारी चीजें चल रही थी। सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम और भी बहुत सारी चीजें थी कि भाई ये लोग कैसे मूवमेंट को चैनलाइज कर रहे थे। इसमें एक और बड़ी बात, जैसे बहुत सारी चीजें तो पहले ही थी, भाई बच्चों को स्कूल कॉलेज छोड़ देना है, स्कूल कॉलेज में बच्चों को नहीं जाना है, बॉयकॉट करना है, खासकर ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज का, ये सारी चीजें तो थी। साथ में लॉयर को बोला आपको भी बॉयकॉट करना है, सोल्जर को भी बोला आपको भी बॉयकॉट करना है। एक चीज और थी यहाँ पर, पहली बार वुमेन एक तो स्वदेशी मूवमेंट में इन्वॉल्व थी और दूसरा इस वाले मूवमेंट में इन्वॉल्व थी, और वुमेन ने जो वाइन की शॉप थी, अफीम की शॉप थी, ओपियम वाली शॉप थी, उसके आगे इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन का क्या फर्क पड़ा, जब इन लोगों ने वाइन और इनके सामने अपोज किया तो इससे ब्रिटिश लोगों को काफी ज्यादा रेवेन्यू मिलता था, तो उनके रेवेन्यू पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा, और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा
तो ब्रिटिश लोगों को इकोनॉमिक लॉस होगा और फिर ये जल्दी डिसीजन लेने के लिए मजबूर होंगे। तो इसलिए इसको चूज किया गया कि भाई हम लोग ब्रिटिश लोगों की जो ऐसी शॉप है जहां पर ये बहुत सारा ऐसा सामान बेचते हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी को काफी ज्यादा हेल्थ की तरफ से नुकसान होता है, तो ऐसी शॉपों के ऊपर हम ये चलाएंगे। तो ये सारी चीजें इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में चलती रही। ये नया तरीका था जो सब लोगों ने देखा कि हाँ भाई ऐसे हमें करना चाहिए और ऐसा अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वही दूसरी तरफ खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम लोग बोलते थे फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये आज के पाकिस्तान में एक एरिया है बलूचिस्तान, वहां से एक तरीके से मूवमेंट को चला रहे थे। और बलूचिस्तान में इन्होंने गांधी प्रोसेस के थ्रू ही नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के थ्रू एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ ही चल रहा था। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक और मूवमेंट इसके साथ लॉन्च किया जिसका नाम था लाल कुर्ती। ये लोग लाल कुर्ता पहनते थे, उसी के नाम पर लाल कुर्ती मूवमेंट हो गया। और इन लोगों ने भी काफी ज्यादा ब्रिटिश लोगों को परेशान किया नॉन वायलेंस के साथ, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हुई। वही इसी टाइम नॉर्थ ईस्ट में नागा ट्राइब की वुमेन जिनका नाम था रानी गेंदल्यू, वो भी इसी टाइम मूवमेंट चला रही। रानी गेंदल्यू जो नागा परिवार से जुड़ी हुई थी वो भी इस टाइम मूवमेंट चला रही थी। तो ये कई सारे मूवमेंट साथ में चल रहे थे और ये सारे किस वजह से हुए थे, अपील की थी गांधी जी ने कि भाई आप लोग जिस जिस एरिया में रहते हो उस इस एरिया में आप लोग मूवमेंट चलाओ। वही साउथ इंडिया में भी बहुत सारे लोग इस मूवमेंट को लॉन्च किए और उन लोगों ने भी सारा चलाया। जैसे राजगोपालचारी तमिलनाडु के आसपास मूवमेंट चलाए, कई बार मैच करने के लिए आ जाता है कि भाई साउथ इंडिया में किसने चलाया उधर किसने चलाया, तो राजगोपालचारी इन्होंने तमिलनाडु के साइड, तमिलनाडु में प्लेस था तंजौर, वहां से मूवमेंट लॉन्च किया। वहीं दूसरी तरफ मालाबार कोस्ट जो केरल के पास में पड़ता है, वहां से के कलप्पन एक लीडर थे केरला के, तो केरला से के कलप्पन ये मूवमेंट चला रहे थे। इन्होंने भी एक तरीके से सॉल्ट सत्याग्रह के थ्रू ही दांडी मार्च को प्रमोट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले। साथ में बहुत सारे ट्रेडर बिजनेसमैन भी इसमें इन्वॉल्व थे, बट एक प्रॉब्लम थी मुस्लिम लोग इसमें काफी कम इन्वॉल्व थे और उसका रीजन क्या था, मुस्लिम लीग ने ये बोला था कि कोई भी हमारा पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व थी, तो कोई भी पर्सन हमारा इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए बहुत सारे मुस्लिम लोग इससे दूर ही रहे भैया हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना, क्यों, क्योंकि हमारे जो बड़े लीडर हैं उन्होंने बोला है कि भैया हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये एक थोड़ी सी इसकी वीकनेस रही कि ये सारी चीजें कैसे होनी चाहिए। अब डिक्लाइन कैसे हुआ, डिक्लाइन वही था कि गांधी जी लंदन में चले गए मीटिंग के लिए राउंड कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद फिर उन्हें टाइम भी नहीं मिला, तो इस वजह से इसका डिक्लाइन हुआ। और इसी बीच जो हमारे रिवॉल्यूशनरी जो थे जिन्होंने सैंडर्स की जगह किसी और ऑफिसर को मार दिया था, उनका वो किया था, तो ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी आवाज सुनाने के लिए पार्लियामेंट में गए और पार्लियामेंट में चिट्ठियां फेंकी
और चिट्ठियों के साथ साथ इन लोगों ने बम भी फेंका। इन बम फेंकने का पर्पज ये नहीं था कि ब्रिटिश लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये इनका बिल्कुल पर्पज नहीं था। तो इन लोगों ने बम भी ऐसी जगह फेंका जहां पर कोई भी पर्सन ना हो। तो ये सारी चीजें इनकी चल रही थी साथ में। तो इन्होंने बम फेंका और फिर उसके बाद खुद ही अपने आप को अरेस्ट करवा लिया। उसका रीजन ये था कि हमें मैसेज देना था नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट अब शांत नहीं रहेगा और हम बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आसानी से मानेंगे नहीं, ब्रिटिश लोगों को हरा के ही मानेंगे। तो इस केस में ही इन लोगों को अरेस्ट किया भगत सिंह और उसको। इन बाद में जो लाहौर इंसिडेंट इन्होंने किया था वो केस भी उभर के आ गया। लाहौर इंसिडेंट इन्होंने किया, लाहौर इंसिडेंट में इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा भी था, मर्डर भी किया था, और साथ में इनके खिलाफ इनके ही एक दोस्त ने बयान भी दे दिया। तो अब प्रूफ भी हो गया कि हाँ भाई ये लोग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोग इन्वॉल्व थे उस मर्डर केस में। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी के पास ऑप्शन था कि वो चाहते तो भगत सिंह की फांसी के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते। इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कांग्रेस और गांधी जी की फिलोसॉफी हमेशा नॉन वायलेंस की रही है। अब गांधी जी अगर ये बोलते हैं, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो हमारे लिए रिवॉल्यूशनरी थे, ब्रिटिश के लिए टेररिस्ट थे। तो अगर आप ये बोलते हैं कि भैया भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं ये बात होती है कि हम लोगों ने ही टेररिज्म को प्रमोट किया है ब्रिटिश के खिलाफ, या रिवॉल्यूशनरी को प्रमोट किया है ब्रिटिश के खिलाफ। तो कांग्रेस के पास दो ऑप्शन थे, पहला वो नेशनल मूवमेंट को देखे या उन लोगों की जान बचाए, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट काफी ज्यादा हो गया था सारी पब्लिक का, यूथ लोग भी काफी थे, और गांधी जी ने इरवन से भी एक्ट किया था और साथ में राउंड कॉन्फ्रेंस में भी गए थे। और 1931 को गांधी जी जब राउंड कॉन्फ्रेंस में गए थे उसके कुछ दिन बाद ही उन लोगों को फांसी हुई 1931 में 31 मार्च के आसपास। तो गांधी जी और कांग्रेस चाहते तो रुक सकता था, लेकिन इन्होंने सोचा कि भैया ये तीन लोग हैं, माना देश के लिए जान दे रहे हैं, लेकिन अगर हमने अभी कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो हो सकता है कांग्रेस को भी बैन कर दिया जाए, हो सकता है हम लोगों को भी अरेस्ट कर लिया जाए, और फिर जो हम सब का गोल है जिसमें भगत सिंह का गोल भी इन्वॉल्व है कि भैया हमारा मेन पर्पस है अपने देश को फ्रीडम दिलाना, उस पर्पस से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और भगत सिंह को भी काफी ज्यादा उससे चोट लगेगी, भाई हम लोगों ने जिस पर्पस के लिए इंसिडेंट किया था वो पर्पस तो आप लोगों ने खत्म ही कर दिया। क्योंकि सब लोग अपने तरीके से काम कर रहे थे, गांधी नॉन वायलेंस के थ्रू, भगत सिंह और रिवॉल्यूशनरी वायलेंस के थ्रू, एक्सट्रीमिस्ट अपने थ्रू, लेकिन इन सब का गोल एक ही था, ब्रिटिश को इंडिया से बाहर करना, गोल क्लियर था, और गोल यही था कि इंडिया की फ्रीडम हम लोगों को मिलनी चाहिए। तो जब गोल यही था तो अब हम लोग इमोशन के चक्कर में ज्यादा इस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो फ्रीडम मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने वहां पर लंदन में जाके बात उठाई नहीं, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल शांति रखी, और ना ब्रिटिश लोगों ने उनसे पूछा, क्योंकि अगर एक बार ये उठा देते तो ब्रिटिश लोग वहां पर मीडिया वीडिया सब थी, देखो भाई ये गांधी जी जो नॉन वायलेंस के पुजारी हैं ये बोल रहे हैं कि हमारे तीन लोगों को छोड़ दो जो रिवॉल्यूशनरी हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, अब उनके खिलाफ प्रूफ भी मिल गए थे, और प्रूफ भी देने वाला कौन, इंडियन। तो अब कांग्रेस ये भी नहीं कह सकते थे कि भैया इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, ब्रिटिश लोगों ने इन्हें फंसाया है, ये सारे दावे भी टूटे निकलते, क्योंकि प्रूफ भी किसी एक इंडियन ने उनके खिलाफ दिया और वो भी उनका दोस्त ही है। तो ये तो साबित हो चुका था कि हाँ भाई इन लोगों ने मर्डर किया है। तो ये सारी चीजें थी, इसलिए
जब ये लोग लंदन गए तो उसके बाद इन्होंने उस मुद्दे को उठाए और फिर उसके बाद वापस 1931 में कराची में सेशन हुआ और कराची के जो हेड बने कांग्रेस के सेशन के वो थे पटेल जी। इन्हें भी गांधी जी का सपोर्ट मिला तो पटेल जी लीडर बने। और इस कराची सेशन में ही गांधी जी को ब्लैक फ्लैग दिखाए गए कि आपने, खासकर यूथ लोग काफी ज्यादा नाराज थे गांधी जी से कि आप लोग चाहते तो इन लोगों को बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने वहां पे थोड़ी इमोशनल स्पीच दी और बोले आप देखो इन सब लोगों का भी पर्पज यही था कि हम लोगों को फ्रीडम मिले, लेकिन अगर अभी हम थोड़े से वीक हो गए तो ब्रिटिश लोगों को हमें भी सप्रेस करने का मौका मिलेगा और कांग्रेस जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो लीड कर रही है पूरे मूवमेंट को, उसको भी हो सकता है बैन होना पड़े और उसके ऊपर भी आरोप लगे कि आप टेररिस्टों को सपोर्ट करते हो, रिवॉल्यूशनरी सपोर्ट करते हो। तो ये सारी चीजें उसने की और गांधी जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए कांग्रेस, मुझे नहीं चाहिए फेम, लेकिन मैं जानता हूं अकेले भी खड़ा होना और मैं कांग्रेस से बड़ी इंस्टीट्यूशन भी बना सकता हूं अकेले। तो ये गांधी जी की थोड़ी सी वो थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों का भी गुस्सा ठंडा हुआ और फिर धीरे धीरे सबको समझ आया कि हाँ भाई गांधी जी सही कह रहे हैं, मेन गोल हमारा क्या है, नेशनल फ्रीडम को लेना, ना कि उन लोगों की आजादी, क्योंकि उन लोगों की जो कुर्बानी है उसने फ्यूल डाला है हमारे नेशनल मूवमेंट में, यूथ लोगों को अट्रैक्ट किया कि भैया आप लोग भी आओ और ये हमारे देश के लिए अच्छा है तो ऐसा हमें करना होगा। तो उसके बाद कराची में बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई और हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बहुत सारा बेस कराची में बना। इस कराची सेशन में हम लोगों को बहुत सारे राइट दिए गए, पॉलिटिकल राइट दिए गए। इसमें ये पहली बार बताया गया कि भाई हमारे देश में इलेक्शन होगा, सब लोगों को यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी होगी। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी मतलब सब लोग इंडिया में वोट दे पाएंगे 21 एज के बाद। ये शुरुआती स्टेज में रखा गया और इवन जेंडर के बेस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, क्योंकि इस टाइम जब 1931 में हम थे तो ना तो यूके में वुमेन को वोटिंग राइट था, वहां पर सिर्फ मेल को वोटिंग राइट था, फीमेल को नहीं था। इंडिया में यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की बात है और हम लोगों ने सबको वोटिंग राइट देने की बात की। हम लोगों ने बोला भाई किसी को भी हम लोग नहीं करेंगे, सबको वोटिंग राइट मिलेगा और बिना डिस्क्रिमिनेशन के। यहीं पर इंडिया में फंडामेंटल राइट का बेस बना कि हम लोगों को कौन कौन से राइट देंगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें बोलेगी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रिलीजन, ये सारे राइट हमें कराची सेशन के थ्रू ही मिले। रिलीजन का राइट हो, अनटचेबिलिटी नहीं होगी, आर्टिकल 17 उसमें बोले गया, आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी जिसमें हमारी प्राइवेसी का भी राइट है, साथ में चूज अ पार्टनर, हम लोग किसी अपनी लाइफ पार्टनर को चूज कर सकते हैं, वो भी राइट हमारे आर्टिकल 21 में। तो इसमें काफी ज्यादा फंडामेंटल राइट की बात की गई और पॉलिटिकल राइट के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक राइट की बात की गई। इकोनॉमिक राइट में ये था कि जो भी इंडियन लोग हैं उन सबको फ्री है कि वो कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं और साथ में फार्मरों पर जब हम लोग फ्रीडम होगा तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उनसे रिवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाएगा, ये भी इकोनॉमिक तरीके से वहां पर बोला गया और साथ में हमारे लोगों को एजुकेशन, हेल्थ, जो बेसिक चीजें हैं वो भी प्रोवाइड की जाएंगी और साथ में सोशल लेवल पर जेंडर इनइक्वालिटी और कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात के लिए। भारत में रिलीजन का सेक्युलरिज्म मॉडल होगा ये बात भी की गई। तो ये सारी चीजें किसमें हुई, कराची सेशन में हुई और कराची सेशन को इसलिए बोला जाता है कि भारत में फंडामेंटल राइट, सोशल पॉलिटिकल राइट के लिए कराची सेशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको थ्रू हमारे देश के लोगों को काफी बड़े राइट मिले कि हम लोग कैसे अपने लोगों के साथ अच्छी चीजें कर सकते हैं, कैसे हमारे लोग और अच्छे तरीके से चीजों को कर सकते हैं।
तो ये सारे राइट हमें कराची सेशन में मिले। और कराची सेशन को इसलिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है भाई, कराची सेशन ने हमें क्या क्या दिया, कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसमें शुरुआती स्टेज में जो राइट टू वोट की गई थी वो 21 रखी गई थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी शुरुआत में यही वाली थी। इन बाद में राजीव गांधी जी ने, किसी ने उन्हें बताया कि भाई यूथ लोग काफी ज्यादा है और आप लोग यूथ में काफी फेमस हो, तो उन्होंने एक एक्ट अमेंडमेंट कराया और फिर उसके बाद इस 21 एज को 18 एज कर दिया। अब 18 से ऊपर या 18 जिसकी एज होती है उसको राइट टू वोट होता है और उसको वोटिंग राइट बन जाता है। तो ये सारी चीजें इंडिया में अप्लाई की गई। और साथ में एक चीज और बोली गई भाई, इक्वालिटी और इक्विटी दोनों में डिफरेंस होता है। इक्वालिटी का मतलब जैसे हमें फ्रीडम टू मूव, कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, ये हमें फ्रीडम है, ये इक्वालिटी का पार्ट है। लेकिन क्या ऐसा है कि जिसके पास पैसा नहीं है खाने को वो भी घूम सकता है, तो उसे सस्ते ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, तब उसके अंदर इक्विटी आएगी। इक्वालिटी से काम होने वाले नहीं है। और रिजर्वेशन भी इसी को चीज को पूरा करता है। रिजर्वेशन इक्वालिटी को नहीं, इक्विटी की बात करता है कि भैया उन्हें कुछ मींस तो दो, कुछ तरीका तो दो, कुछ प्रोसेस तो दो। आप लोगों ने बस क्लियर बोल दिया, अनटचेबिलिटी देश में नहीं होगी। इन कैसे नहीं होगी, जो करेगा उसके लिए क्या, उसके लिए एक्ट तो बनाना पड़ेगा आपको कम से कम, या इन लोगों को सेफ गार्ड करने के लिए लोगों में अवेयरनेस लेनी पड़ेगी। और ऐसे इंसिडेंट बार बार देखने को मिलते हैं, हम आज भी न्यूज़पेपर में देखते हैं कि भाई कैसे जब कोई लोअर कास्ट वाला पर्सन होता है वो कोई भी चीज करता है, या तो मंदिर में जाता है या फिर जो पब्लिक कुआं है वहां से पानी पीता है, तो गांव वाले काफी ज्यादा उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, या वो अपनी बारात में घोड़ी चढ़ के जाना चाहता है तो उसके ऊपर भी हो जाते हैं। आजकल न्यूज में भी चल रहा था एमपी का एक केस। तो ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में अभी भी है। तो ये शो करता है कि अभी भी हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के बेस पर, ऐसा ही चीज है। तो इसलिए इक्विटी का प्रोविजन करना जरूरी है। जब इन लोगों का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर इनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और ये डेवलपमेंट होगा तो इनका अपलिफ्टमेंट होगा, तो ऑटोमेटिक इनके पास पावर आएगी, फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी गाँव वालों को एक तरीके से अवेयर करें, ये लोग अपना राइट अपने आप मांग लेंगे। और शहरों में क्लास होता है, वहां पर कास्ट की ज्यादा बात नहीं की जाती। ऐसे ही धीरे धीरे जब शहर में बहुत सारे गांव के लोग आएंगे उनके अंदर भी अवेयरनेस होगी, और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट से ऑटोमेटिक प्लेसन अच्छे होने लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे देश में होने लग जाएंगी, उतना अच्छा रहता है। तो ये आज की क्लास थी। नेहा जी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेहा जी कुछ पूछना है?